तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, यार मैं आप लोगों का PCX लेजेंड। तो गाइस यार आप लोगों को मैं आज आप लोगों को बेस्ट हेडशॉट सेटिंग बताऊंगा गेम लूप की, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग है। कुछ आप लोगों को DPI सेटिंग वगैरह सब कुछ आप लोगों को आज बता दूंगा, तो एंजॉय करें। जब तक एक दो हेडशॉट क्लिप गेम लूप के, तो मिलते हैं क्लिप्स के बाद। Toxic skies, you pollute me with your lies. Thought I'd die along with my sense of time, and I'm not alright. Feel trapped in my mind, I can't. तो गाइज यार वेलकम बैक। तो गाइज यार अपनी सेटिंग की तरफ आ जाते हैं। फर्स्ट आप लोगों ने गेम लूप का स्टोर खोल लेना है। तो गाइज यार जैसे स्टोर आप लोगों ने देखा ही होगा गेम लूप का, जैसे आप क्लिक करो पहले स्टोर ही ओपन होता है। तो गाइज यार पहले आप लोगों ने स्टोर ओपन करना है गेम लूप का। तो गाइज यार स्टोर होने के बाद, ओपन होने के बाद आप लोगों ने उसकी सेटिंग में आ जाना है यहाँ से। तो गाइज यार यहाँ सेटिंग में आ जाने के बाद फर्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ओपन हो जाए, ये थोड़ा टाइम लेता है। तो गाइज यार इंजन में आ जाना है। इंजन में आप थोड़ा नीचे करोगे तो गाइज यार यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो गाइस यार यहाँ पर आप लोगों को DPI मिलेगी और स्क्रीन रेजोल्यूशन। तो गाइस यार DPI आप लोगों ने 320 रखनी है, और जो रेजोल्यूशन है वो आप लोगों ने जितनी LCD में चल रही है आप लोगों की इतनी ही रखनी है। देखें मेरी 1280 1024 चल रही है इस टाइम, कस्टमाइज़ मैंने किया हुआ है। जितनी मेरी LCD में चल रही थी वो मैंने यहाँ पर भी लगा दी। तो गाइस यार मैं दिखा देता हूँ, जितनी आपकी कहाँ पर चल रही होती वहीं लगानी होती है आपको। यहाँ पर आप लोग देख लें, 1280 है 1024 है, तो वहाँ पर मैंने भी इतनी ही वैल्यू डाली थी, मतलब 1280 1024 रेजोल्यूशन ही यहाँ पे मैंने डाली थी। तो फर्स्ट आप लोगों ने ये कंप्लीट कर लेना है यहाँ से ये वाली सेटिंग। तो गाइस यार आप लोगों ने आ जाना है अपने एमुलेटर में, गेम लूप एमुलेटर में, और यहाँ पे आप लोगों ने प्रेस करना है F9। तो गाइस यार कीबोर्ड का F9 प्रेस करने के बाद इसकी सेटिंग आप लोगों के सामने खुल जाएगी। तो गाइस यार नीचे आ जाना है आप लोगों ने, फुल नीचे आ जाना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कहाँ पे आ जाना है, फुल नीचे आ जाना है। तो फुल नीचे आ जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्लिक करना है अबाउट टैबलेट पे, और यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा बिल्ड नंबर। इस पर आप लोगों ने सात बार क्लिक करना है, और आप लोगों का डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो गाइस यार डेवलपर ऑप्शन ओपन हो जाने के बाद आप लोगों ने फुल फिर से नीचे आ जाना है, फुल आखिर में। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा DPI। तो गाइस यार इसको DPI बोलते हैं। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोगों ने 800 ही DPI डालनी है, जो कि बेस्ट DPI है ये। तो गाइस यार ये DPI यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोगों ने DPI ही डालनी है। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, ख्याल से देख लें। और उसके बाद आप लोगों ने बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा लैंग्वेज इनपुट। तो गाइस यार यहाँ पे आप लोगों ने नीचे आना है, और यहाँ पे लिखा होगा पॉइंटर स्पीड। तो गाइस यार इसको भी आप लोगों ने फुली कर लेना है। तो गाइस यार आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, बाकी सेंसिटिविटी आप रह गई वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से आप लोगों की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। बस आप लोगों ने सिर्फ अभी सेंसिटिविटी देखनी है। तो गाइस यार मैं आप लोगों को सेंसिटिविटी अपनी दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देता हूँ क्योंकि ये स्टार्ट होने में टाइम लेती है। सिंपली मेरी गेम ओपन हो चुकी है, आप लोगों को मैं सेंसिटिविटी वगैरह दिखा देता हूँ कि मैं कितनी सेंसिटिविटी यूज़ कर रहा हूँ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये पता नहीं ग्राफिक सेक्शन खोल गया था मेरे से। तो गाइस यार सेंसिटिविटी आ जाते हैं। तो गाइस यार रेड जनरल को मैंने सर्व किया हुआ है, रेड आउट को मैंने सर्व किया, बाकी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, कोई मसला नहीं। ये दोनों खास सेटिंग्स थी। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।